बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SBI स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू, आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूँ BSc सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का सिलेबस। ऐसे छात्र छात्राएं जो इस बार थर्ड सेमेस्टर में हैं और उन्होंने अपना मेजर सब्जेक्ट जूलॉजी ले रखा है, तो उनके लिए सिलेबस है। आज की इस क्लास में आपको कंप्लीट सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ दोस्तों, वो NEP के तहत है, नई शिक्षा नीति के तहत मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। जिस प्रकार से आपने फर्स्ट ईयर में यानी सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड में एग्ज़ाम दिया है और उसका सिलेबस आप लोग को पता ही है, ठीक उसी प्रकार से सेकेंड ईयर में भी आपके दो सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ। तो थर्ड सेमेस्टर का हम सिलेबस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जोरदार तरीके से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ेंगे चैनल पर, थर्ड सेमेस्टर की क्लास यानी जूलॉजी और बॉटनी के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के इस सिलेबस को। आपके यूट्यूब पर जो आपकी क्लासेस चलती हैं, वो केमिस्ट्री की क्लास आपको शाम यानी रोज रात 8 बजे मिलेगी, फिजिक्स की क्लास रात 9 बजे, बॉटनी और जूलॉजी की क्लास सुबह 7 बजे संचालित की जाएगी, यानी मॉर्निंग के टाइम, जिस प्रकार यानी कि जिस समय पर आज क्लास चल रही है, 7 बजे रोज सुबह 7 बजे आपकी जूलॉजी की क्लास संचालित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। तो आपके पेपर का नाम यानी कि थर्ड सेमेस्टर में जो जूलॉजी है उसका जो थ्योरी का पेपर है उसका टाइटल है मॉलिकुलर बायोलॉजी बायो इंस्ट्रूमेशन एंड बायोटेक्निक। ये आपका टाइटल है, आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर टाइटल क्या है। ठीक है, तो आप लिखते तो हैं कि भैया जूलॉजी हम पढ़ रहे हैं, तो जूलॉजी में आप थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ रहे हैं? जो थर्ड सेमेस्टर में आपकी जूलॉजी है उसका नाम है मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायो इंस्ट्रूमेशन एंड बायोटेक्निक। ठीक है, अब कुल मिलाकर के जिस प्रकार से सेकेंड सेमेस्टर में आपकी जूलॉजी 8 यूनिट में डिवाइड थी, ठीक उसी प्रकार से आपको थर्ड सेमेस्टर में भी 8 यूनिट्स पढ़ने हैं। चलिए दोस्तों, यूनिट बाय यूनिट हम डिस्कस करते हैं। पहला यूनिट आपका है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जो आपकी पहली यूनिट है वो है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ जीन। जीन के बारे में कंप्लीटली आप यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आपको इसमें पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड द मशीनरी। उसके बाद में आप RNA के बारे में पढ़ेंगे। फिर इनोजेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट है और ये आपके मेजर मेजर टॉपिक है। ठीक है, अब आपका जो सेकेंड यूनिट है दोस्तों, उसका नाम है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन में आपको पढ़ना होगा जेनेटिक कोड के बारे में, कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं। बहुत ही अच्छे से हम टॉपिक बाय टॉपिक यानी हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपका जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा राइबोसोम, राइबोसोम क्या होता है। फिर आप पढ़ेंगे फैक्टर इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन। तो ये तीन जो हैं वो मेन टॉपिक्स आपके सेकेंड यूनिट के अंतर्गत हैं। आपकी जो थर्ड यूनिट है दोस्तों, उसका नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट, इसमें आपको पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, यानी कि प्रोकैरियोट्स में पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे ये दोनों टॉपिक। ठीक है, इनको बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आपका जो थर्ड है, आपका लास्ट जो इस टॉपिक में जो पढ़ना है यानी कि थर्ड यूनिट में, रेगुलेशन एट द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ठीक है, चलिए अब जो चौथी यूनिट आपकी है दोस्तों, उसका नाम है रेगुलेशन इन जीन एक्सप्रेशन सेकेंड। रेगुलेशन पढ़ना है आपको, रेगुलेशन इन जीन एक्सप्रेशन सेकेंड। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आप पढ़ेंगे रेगुलेशन एंड द ट्रांसलेशनल लेवल। फिर आप पढ़ेंगे इंट्रा सर्कुलर प्रोटीन इन डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन आपको पढ़ना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों टॉपिक।
ठीक है, जो आपकी चौथी यूनिट है रेगुलेशन एट इन जीन एक्सप्रेशन सेकंड, इसमें आपको पढ़ना है रेगुलेशन एट ट्रांसलेशनल लेवल। फिर आपको पढ़ना है इंटर सर्कुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी जो पांचवी यूनिट है दोस्तों, उसका नाम है प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। जिस प्रकार से आपने बॉटनी में पढ़ा था दोस्तों, बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा था माइक्रोस्कोपी के बारे में, तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका माइक्रोस्कोपी पर बेस होगा। यहाँ पर आप पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी के बारे में और उसके एप्लीकेशन के बारे में। माइक्रोस्कोपी में देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होती है, साथ ही साथ आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के टाइप्स के बारे में, इनके एप्लीकेशन क्या क्या हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी के प्रकार और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, यानी कि यूनिट पाँच आपकी पूरा का पूरा प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी पर बेस है। अब आपका जो छठा यूनिट है दोस्तों, छठवा यूनिट है वो सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। इसमें आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, फिर आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेस यानी कितने प्रकार के होते हैं, फिर प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। आपको पढ़ना है क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल और इसके प्रकार पढ़ना है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तीन ही जो मैंने आज आप लोग को दिया है, यानी कि जिसे यूनिट 6 में मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीन टॉपिक, तो ये तीन टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। तो आप इम्पॉर्टेंट इसको मान करके भी आप तैयार कर सकते हैं और एक प्रकार से आपको सिलेबस भी पता होना है। यूनिट नंबर 7 आपकी है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक। अब यहाँ पर आप सबसे पढ़ेंगे क्या, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के बारे में कम्प्लीटली आप पढ़ेंगे, फिर आप बायोकेमिकल टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। बायोकेमिकल टेक्निक में आप पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री क्या होती है, जिसमें आप पढ़ेंगे बीर लैम्बर्ट ला, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आप इसके अंतर्गत पढ़ना है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। फिर आप इसको इसमें पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ पीएच, पीएच मेजरमेंट ऑफ पीएच पढ़ना है। फिर आप पढ़ेंगे मेजरमेंट एप्लीकेशन ऑफ सेफ्टी मेजर टू रेडियो ट्रेसर टेक्निक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है। आपका है मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, जिसमें आपको पढ़ना है डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डीएनए फिंगरप्रिंट, बहुत ही ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आप पढ़ेंगे डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन PAGE, फिर UEUSA के बारे में, यानी टाइप्स प्रोटीन के टाइप्स के बारे में भी पढ़ना है। हाइब्रिड डोमर टेक्नोलॉजी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। तो ये रही आपके यूलॉजी का कंप्लीट सिलेबस, मैंने आप लोग को कंप्लीटली बता दिया है कि आप में यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ना है, सेकंड यूनिट में क्या पढ़ना है, सेकंड यूनिट का नाम क्या है, थर्ड यूनिट में क्या पढ़ना है, तो इन सभी टॉपिक को मैंने बता दिया है आप लोग को, ठीक है। तो अब आपको कंप्लीटली सिलेबस के बारे में पता हो गया है, ठीक है। जिनको भी नहीं पता था, तो आपका जो थ्योरी का पेपर है दोस्तों जूलॉजी का, उसका नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायो इंस्ट्रूमेशन एंड बायोटेक्निक्स। कुल मिलाकर के 8 यूनिट्स आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। तो अब इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको ले लीजिएगा, प्राप्त कर लीजिएगा, वहाँ से आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और जब PDF मिलता है तो आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपकी क्लास रोज़ सुबह 7 बजे संचालित की जाएगी। कल हम फर्स्ट यूनिट आपकी स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है, जिसमें हमने जो फर्स्ट टॉपिक आपका चुना है वो जीन चुना, जीन के बारे में हम कल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, ताकि और स्टूडेंट ऐड हो सके, ताकि क्लास आपकी पर डे संचालित हो सके। आपको क्लास जो मिलेगी वो बिल्कुल फ्री में मिलेगी, आपको नोट्स भी मिलेगा, आपको क्लास के बाद PDF दे दिया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लास के लिए, कोई भी आपको फीस नहीं पे करनी है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अगर कोई डाउट सेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।
है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।